नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब देखते हैं कुछ फलों के नाम। फलों के नाम देखते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, जैसे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को अनानास कहते हैं और छत्तीसगढ़ी में भी अनानास ही कहते हैं, ठीक है। अनार, इसको पूछा गया है एक बार, अनार को क्या कहते हैं, दर्मी, ठीक है। अनार को क्या कहते हैं, दर्मी, दर्मी, या फिर कहीं पर दर्मी भी लिखा रहता है, ठीक है, दर्मी या दर्मी। दर्मी मतलब होता है अनार, ठीक है, दर्मी मतलब होता है अनार, ठीक है। फिर आंवला को बोलते हैं अवरा, ल का र हो जाता है आंवरा। आम को आमा कहते हैं, इमली को अमली, जो ई से शुरू होता है उसे अ बना देते हैं, ठीक है, उसको अमली कहते हैं, अमली। केला, ल है तो र बना देंगे, केरा। खजूर को पिन खजूर या छोहारा बोलते हैं, जो डेट्स होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, छोहारा या पिन खजूर, ठीक है। फिर खरबूजा, खरबूजा का मैंने एक बार और बताया था कि इसे बंगला कहते हैं, ठीक है, बंगला या बंगूला। और वैसे ही इससे मिलता जुलता क्या है, टमाटर। टमाटर को क्या कहते हैं, बंगाला। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बंगला किसको कहते हैं, खरबूजा को, ठीक। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ तो खरबूजा का शेप देखिएगा, ऐसा रहता है, ऐसा बड़ा सा रहता है, उसको बीच से काटिएगा, उसका ऐसा उठा हुआ पार्ट रहता है, बंगला टाइप दिखता है, मतलब बड़ा सा दिखता है, समझ ले वैसा ही डिज़ाइन है, समझ लो बंगला का, ठीक है। और बंगाला क्या है, टमाटर है, ठीक है। जामुन को क्या बोलते हैं, यहाँ चिरई जाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जामुन ना बोल के चिरई जाम बोलते हैं, जाम। तरबूज को ये बोलते हैं कलिंदर, ठीक है। खरबूज और तरबूज में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो रहता है ये वाइट वाला जो ये खरबूज आता है जिसमें ऐसे निशान होते हैं, ऐसे लाइंस होते हैं, उसको बोलते हैं खरबूज, ठीक है, खरबूजा बोलते हैं, ठीक। वो साइज में थोड़े छोटे भी रहते हैं, गोल गोल, ठीक है। और ये तरबूजा, तरबूजा जो होता है वो ऐसे लंबा होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन, उसे बोलते हैं तरबूज, ठीक है। तरबूज, वाटरमेलन जानते होंगे, उसे बोलते हैं कलिंदर, ठीक है। और खरबूजा को बोलते हैं बंगला। नींबू, नींबू को बोलते हैं लिमऊ, लिमऊ को याद रखिएगा, नींबू, नींबू को क्या बोलते हैं, लिमऊ या नींबू या नींबू, ठीक है, लिमऊ बोलते हैं, लिमऊ। फिर नारियल को नरियर बोलते हैं, ल लगा है तो रल बना देंगे उसको, नारियल को नरियर। पपीता को क्या बोलते हैं, अमर पपई, क्या बोलते हैं, पपीता को अमर पपई, ठीक है। पपीता हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अमर पपई, ठीक है। बिही या अमरूद, अमरूद गुआवा को क्या बोलते हैं, बिही या जाम बोलते हैं, ठीक है, जाम बोलते हैं या बिही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमरूद को क्या बोलते हैं, अमरूद को, तो बिही या जाम, बिही या जाम, ठीक है। बेर को क्या बोलते हैं, बोईर, बेर को बोलते हैं बोईर। मौसम्बी को बोलते हैं मुसब्बी, मौसम्बी को बोलते हैं मुसब्बी, ठीक है, मौसम्मी या मुसब्बी, ठीक है, मौसम्बी को क्या बोलते हैं, मौसम्मी या मुसब्बी, ठीक। तो ये तो सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अनानास को अनानास हो गया, अनार को याद रखिएगा दर्मी बोलते हैं, दवरी। आंवला तो पता है अवरा हो जाएगा, आम का आमा, इमली का अमली, केला का केरा हो जाएगा, खजूर का पिन खजूर या छोहारा बोलते हैं, छोहारा, ठीक है। खरबूजा को मैंने बहुत बार बताया, बंगला बोलते हैं, सॉरी बंगला। जामुन को चिरई जाम बोलते हैं, चिरई जाम। तरबूजा को क्या बोलते हैं, कलिंदर। नारियल को नारियल, नींबू को लिमऊ, पपीता को अमर पपई, पपीता ही है, पपई बोल दिए उसको, क्या बोलते हैं, पपाया, तो पपई बोल दिए, इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, तो उसको क्या बोल दो छत्तीसगढ़ी में, पपई, अमर पपई, ठीक है। बीही, अमरूद को क्या बोलते हैं, बीही, बीही, अमरूद को क्या बोलते हैं, बीही, ठीक है, याद रखिएगा, बीही बोलते हैं, जाम बोलते हैं। बेर को बोलते हैं बोईर, बोईर, ठीक है। फिर देखिए, बेर को बोईर और मौसम्बी को मुसब्बी या मुसम्मी, ठीक। अब देखते हैं कुछ संख्याओं के बारे में, ज़्यादातर तो संख्याओं के बारे में नहीं पूछता पीएससी में या फिर व्यापम में, अगर छत्तीसगढ़ी का अगर
अलग से सिलेबस है, तो ज़्यादातर पूछा गया है ये कोरी, कोरी के बारे में पूछा गया कि कोरी क्या होता है। छत्तीसगढ़ में अभी तक के साक्षरों में 20 तक की संख्या का प्रचलन जीवित है। कोरी 20 का द्योतक है। इस पद्धति में संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका निम्न है। तो देखिए 20, 20 का जो एक भाग होगा ना, जैसे 20 का समूह होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक कोरी। ठीक है, 20 का एक भाग होगा, जैसे जैसे समझ लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, इसमें 20 किलो चावल आता है, तो इसे क्या बोल देंगे, 20 कोरी। क्या बोल देंगे, 20 कोरी। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, नाप का एक तरीका है। तो 20 को क्या बोलते हैं, एक कोरी। क्या बोलते हैं, 20 को बोलते हैं एक कोरी। तो 40 क्या हो जाएगा, दो कोरी, मतलब इसका डबल। 60 क्या हो जाएगा, उसका ट्रिपल, तीन कोरी। 80 क्या हो जाएगा, उसका चार कोरी। 100, पाँच कोरी। ठीक है, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। 20 पता है, डबल ट्रिपल चिपल चौपल पंचल जो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 20 को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कोरी। आप गाना भी सुने होंगे छत्तीसगढ़ी, कोरी कोरी नरियर चढ़े, मतलब 20-20 से 20-20 का जोड़ा में समझ लीजिए। ठीक है, कोरी क्या बोलते हैं, एक कोरी, 20 का आंकड़ा होता है वो। ठीक है, और उसे बढ़ा दिए, बढ़ाया जाए तो ये समझ जाइएगा 20 कोरी, 20 का आंकड़ा, तो दो कोरी, 20 20 कोरी, दो 20 कोरी। उसके आगे और पूछेगा, जैसे दो कोरी को क्या बोलते हैं, तीन कोरी को क्या बोलते हैं, चार कोरी को। तो आप इजिली आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, 20 × 4। ठीक है, अब देखते हैं, इसी के अंतर्गत आता है, ये पूछा था पांच अगर पांच कोरी, एक एग्जाम में पूछा था पांच अगर पांच कोरी, यहाँ पे एक कोरी दिया है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तीन कम एक कोरी, मतलब एक कोरी में कितना आता है, 20, उसमें से तीन कम कर दिए तो कितना हो गया, 17। ठीक है, पांच अगर एक कोरी, पांच अगर एक कोरी, एक कोरी मतलब एक कोरी को आप ध्यान रखिए, एक कोरी 20 हो गया, फिर पांच अगर, अगर मतलब हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर मतलब एक्स्ट्रा, तो पांच एक्स्ट्रा हो गया, तो प्लस 5 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हो गया एक कोरी और 10 या डेढ़ कोरी। एक कोरी मतलब 20 हो गया, और डेढ़ 10 या फिर डेढ़ कोरी, तो वो हो गया 10। ठीक है, एक कोरी और 10, तो 10 जोड़ देंगे, एक कोरी में 10 कोर देंगे। 7 कम 2 कोरी, तो 2 कोरी का हो जाएगा 20 × 2, मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, 7 कम बोल दिया, -7 कर दिए। ठीक, तो आपको कोई भी पूछे, ये तो एग्जांपल्स के लिए दिए हैं, कुछ भी पूछे आपसे बन जाएगा। एक पूछा था पाँच अगर पाँच कोरी, तो पाँच अगर पाँच कोरी, ये 20 हुआ। ठीक है, पाँच अगर पाँच कोरी, तो पांच कोरी बोल रहे हैं, तो क्या कर दिए, 20 × 5 = 100 हो गया। फिर पांच कोरी बोला, पांच अगर पांच कोरी, अगर बोले पांच अगर, तो वो क्या हो गया, 105 हो गया। ठीक है, ये हो गया पांच अगर पांच कोरी। ठीक, ये वाला पूछा था, तो आपको कुछ भी पूछे आप इसे कैलकुलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन कोई एकदम बड़ा नहीं है, मैथ्स का कोई डिफिकल्ट सूत्र नहीं लग रहा है यहाँ पे। 20 कोरी, 20 को क्या बोलते हैं, एक कोरी, बस वही याद रखिए, फिर सब बन जाएगा। ठीक है, कितना आगर बोल रहे हैं, आगर मतलब ज़्यादा होता है, बस ये याद रखिएगा, आगर मतलब होता है ज़्यादा, मतलब आपको प्लस करना है, और कम मतलब, तो कम माइनस करना है, पता होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए कुछ वर्ड है, जैसे डेढ़, ये पूछता है कि डेढ़ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मतलब 1.5, इसको क्या बोलेंगे, डेढ़ या फिर सवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, डेढ़ या फिर सवा। और यह 2.5 हो गया, 2.5, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ढाई बोलते हैं हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में अढ़ाई या फिर अढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, अढ़ाई या फिर अढ़ाई। ठीक है, ढाई को क्या बोलते हैं, अढ़ाई या अढ़ाई, ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। 3.5, 3.5 को क्या बोलते हैं, 3.5 को क्या बोलते हैं, आउट, आउट, आउट बोलते हैं। ठीक है, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर बड़े ऊ की मात्र लगा होगा। ठीक है, आउट। ठीक, तो डेढ़ को तो डेढ़ ही बोलते हैं या फिर सवा बोलते हैं। ठीक है, एक और आधा, सवा हो गया। ठीक, फिर ढाई को बोलते हैं अढ़ाई, और 3.5 को क्या बोलते हैं, आउट, ये याद रखिएगा, 3.5 को क्या बोलते हैं, आउट, इंपॉर्टेंट है ये। ढाई को आप अढ़ाई कर सकते हो, अढ़ाई याद आ जाएगा, डेढ़ का तो डेढ़ पता है, 3.5 को याद रखिएगा, आउट, आउट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी ट्रिक भी याद रख सकते हैं, तीन तीन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे तीन है, यहाँ भी तीन जैसे दिख रहा है, ऊ है ना, तीन जैसे दिख रहा है, तो आउट ऐसे याद रखिएगा, तीन तीन इसमें दिख रहा है, तो ये आउट याद हो जाएगा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ी जो इम्पोर्टेंट शब्दकोश हैं वो कंप्लीट होते हैं, और अगर कुछ लगता है कि इसमें बताने लायक है, वो मैं
आपको बताऊंगी, ठीक है। इतना आप करिए, इससे आप करेंगे ना आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो 5 में 5 बनेंगे, क्योंकि बहुत इजी है पढ़ने का तरीका, मैंने बताया उसी तरीके को फॉलो करिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित थी। सरकारी नौकरी करना चाहा था तो गूगल पे तो गोविंद साहू